भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड की शाखा प्रबंधक से हुए लूटपाट मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने असलहे के साथ तीन आरोपियों को दबोच लिया है। बुधवार को पपरवाटाड़ ऑफिस में इंस्पेक्टर कमलेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। बताया गया कि 27 जून को शाखा प्रबंधक अमित कुमार सिंह बिंगाबाद के बूचा नेवाड़ी बस्ती से ग्रुप लोन की किस्त का पैसा 36,885 रुपए कलेक्शन कर लौट रहे थे, तभी बूचा नवाड़ी नाला ढलान के पास मोटरसाइकिल को रोककर तीन अपराधियों ने लूटपाट की और डरा धमका कर कलेक्शन की राशि 36,885 रुपए छीन लिया। इस संबंध में गांडे थाना में शाखा प्रबंधक के आवेदन पर कांड अंकित किया गया और जांच पड़ताल शुरू की गई। इस बाबत इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा छापामारी के दौरान बंसीमी निवासी आजाद अंसारी पिता दुखन अंसारी को लोडेड देसी पिस्टल एवं मैगजीन सहित तीन जिंदा गोली लूट की रकम में से 6,000 रुपए के साथ पकड़ा गया। स्वीकारोक्ति बयान में इसने लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की और अपने अन्य सहयोगियों का नाम भी बताया है। पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अन्य अभियुक्त जुनैद अंसारी एवं अहमद अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है। जुनैद अंसारी को छोड़कर दोनों पकड़े गए अभियुक्त पूर्व में कई आपराधिक कांडों में संलिप्त रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से जिंदा गोली पिस्टल समेत मोटरसाइकिल मोबाइल फोन कीपैड आदि बरामद किया है। प्रेस वार्ता में इनके साथ बिंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार SI मिथुन रजक आदि लोग मौजूद थे। 27/6/2022 को भारत फाइनेंशियल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, इसके मैनेजर अमित कुमार सिंह है, जो ग्रुप लोन का पैसा कलेक्शन कर बुच्चा नावाड़ी से बेंगाबाद की ओर आने के क्रम में नाला के पास, बुच्चा नावाड़ी नाला के पास जब पहुँचे तो घात लगाए बैठे विपरीत दिशा से आ रहे तीन अपराधकर्मी साइन मोटरसाइकिल से आए और इन्हें रोककर डिक्की से 36,885 रुपया लूटकर डरा धमका कर गांडे की ओर चले गए। इस सूचना पर इनके द्वारा कांड अंकित कराया गया बेंगाबाद थाना में। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस टीम की गठन किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कांड में आजाद अंसारी को सबसे प्रथम उसके ससुराल करमाई से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से लोडेड पिस्टल, देसी पिस्टल, तीन जिंदा गोली, मैगजीन के सहित और लूटे हुए रकम 6,000 रुपया एवं मोबाइल के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन्होंने लूटे हुए लूट के संबंध में अपनी स्वीकारता अपराध स्वीकार किया है और भी अन्य साथियों को नाम बताया, जिसके निशानदेही पर अहमद अली और जुनैद अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। सर, तीनों को कहां कहां से गिरफ्तार किया है? आजाद अंसारी को उसके ससुराल करमय है अहिलापुर थाना में, वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही ये दोनों अन्य अभियुक्त जो हैं इनके मांडरडी और बुच्चा नवाडी से इनके घर पर से भी पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तारी।